नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्त्रियां मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। दोस्तों, हिंदू में विवाहित स्त्रियां ही सिंदूर लगाती हैं। कुमारी, कन्या, विधवा स्त्रियों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है, अर्थात मांग में सिंदूर लगाना सुहागिन स्त्रियों का सूचक है। इसके अलावा सिंदूर लगाने से स्त्रियों के सौंदर्य यानी सुंदरता में भी काफ़ी निखार आता है दोस्तों, जिससे वह अति आकर्षक एवं सुंदर स्वरूप दिखती हैं। विवाह संस्कार के समय पर वर यानी दुल्हा, वधु यानी दुल्हन के मस्तक में मंत्रोच्चार के माध्यम से 5 अथवा 7 बार सिंदूर लगाने की प्रथा है। तत्पश्चात विवाह कार्य संपन्न हो जाता है। उस दिन से वह स्त्री अपने पति की दीर्घायु लंबी उम्र के लिए प्रतिदिन सिंदूर लगाती हैं। मांग में दमकता हुआ यह सिंदूर स्त्रियों के सुहाग का घोतक है। सिंदूर लगाने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी है जो इस प्रकार हैं। पहला ये कि मांग में जिस स्थान पर सिंदूर लगाया जाता है वह स्थान ब्रह्मा, रग्न और अधमि नामक मर्म के ठीक ऊपर होती है। स्त्री के शरीर में यह भाग पुरुष की अपेक्षा विशेष कोमल और मुलायम होती है, अतः सुरक्षा के लिए शास्त्रकारों ने सिंदूर का विधान किया है। सिंदूर में पारा जैसी धातु की मात्रा अधिक होती है। यह स्त्री के शरीर में स्थित आंतरिक उत्तेजना को ही कंट्रोल में नहीं रखता है, बल्कि मर्म स्थान को बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाता है। दूसरा, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि स्त्रियों के सीमंत में अथवा मृकुटी केंद्र में नागिन रेखा पड़ी हो तो वे दुर्भगा रहती है। कई बाल विधवाओं के सीमांत स्थल में बालों की भौंरी प्रत्यक्ष देखी जाती है, अतः इस दोष की निवृत्ति यानी निवारण के लिए सिंदूर द्वारा उसे अक्षदान करना बताया गया है। अगला कारण, कामकाज और बच्चों को संभालने में व्यस्त स्त्रियां नित्य सर को धो नहीं पाती, जिस कारण उनके बालों में जू या बाल में लिख आदि जीव भी पनप जाते हैं। उनके हटाने के साधारण औषधि भी पारायुक्त ही होता है, अतः सीमंत में सिंदूर रहते उक्त जीवों का कुछ भी खतरा नहीं है। स्त्रियों के बाल प्रदेश में सिंदूर की रेखा जहां सौभाग्य का प्रधान लक्षण समझा जाता है, वह उनका सौंदर्य में भी खूबसूरती बढ़ जाता है। सिंदूर में पारा जैसी धातु की अधिकता होने के कारण स्त्रियों के चेहरे पर जल्दी झुर्रियां नहीं पड़ती, ऐसा माना जाता है। इस प्रकार स्त्रियों के सर में सिंदूर का प्रयोग उसके शारीरिक बनावट के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंगार सामग्री है, जिसकी मान्यता सभी युगों में एक समान रहती है एवं इस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने भी अपनाते आया है। इससे हमेशा लाभ ही हुआ है, कभी हानि नहीं हुआ है, जिस कारण सिंदूर का प्रयोग हम लोग देवी देवताओं को पूजा अर्चना शुभ कार्यों में भी करते हैं। इसके दैविक शक्ति भी अतुलनीय है, जिसका चर्चा किया जाए तो बहुत ही लंबी एवं आश्चर्यजनक होगी। मुझे उम्मीद है छोटी सी प्रस्तुति में हमारे महिलाएं हम क्यों सिंदूर लगाती हैं, उसके क्या कारण हैं, वैज्ञानिक क्या कारण है, ज़रूर आप समझे होंगे। अगर आप भी अपने मित्रों में, दोस्तों में ये बताना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आपके पास भी कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। मिलते हैं फिर कोई अगली खबर के साथ। बने रहें अपना लाइव डॉट न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।